खबर आलमगंज थाना से है। होली त्योहार को लेकर अवैध शराब के खिलाफ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पटना सिटी के आलमगंज थाना की पुलिस ने गांधी सेतु बैरियर के पास मारुति कार से करीब 50 किलो गांजा के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है बिदद्दूपुर वैशाली से कारोबारी गांजा का खेप पटना लेकर आ रहा था, तभी वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। वहीं भद्रघाट के पास से एक वाहन से 16 कार्टून 40 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब के साथ दो कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कारोबारियों से कड़ी पूछताछ करने में जुटी हुई है। पकड़ाया है, कहां कहां से क्या पकड़े हैं? कल गांधी सेतु बैरियर के पास में वाहन चेकिंग करने क्रम में एक मारुति गाड़ी से करीब 50 किलो गांजा गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम सोनू सिंह है, जो बिदुपुर वैशाली का रहने वाला है। उसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही आज भोर में पीपा पुल भद्रघाट पीपा पुल के पास से एक सुमो विक्टा गाड़ी को पकड़ा गया, जिसमें दो व्यक्ति एवं 16 कार्टून में करीब 140 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुआ है। गांजा की क्या कीमत होगी? लगभग अनुमानता लगभग करीबन 1.5 से 2 लाख के आसपास की होगी। शराब की कीमत हम नहीं बता सकते हैं। कहाँ से गिरफ्तारी की गई सही? शराब वाले में गिरफ्तारी जो है भद्रघाट पीपापुर के पास से हुई है, और गांजा वाले मामले में वो गांधी सेतु बैरियर के पास है। क्या बताया, कहाँ ले जा रहा था? वैशाली से लेकर, और शराब जो है वैशाली से लेकर एक अजीत नाम का आदमी है भद्रघाट का, उसी को वो सामान देने वाला था। क्या चीज़? शराब। गांजा के बाद बताया जा रहा था कि बिदुपुर का एक विनोद राय है, वही व्यक्ति गांजा को उसको गाड़ी के साथ उसको दिया था। बोला था कि राजेंद्र नगर स्टेशन के पास में जाकर गाड़ी को खड़ा कर देना, वहाँ से कोई दूसरा व्यक्ति आता और वो गाड़ी को लेके जाता। ठीक।